अस्सलाम वालेकुम, मैं हुशाब ज़फ़र खान। तो दोस्तों, आज मैं ले आया आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जो कि है मटन कुरमा या मटन कढ़ाई या मटन करी या जो भी आप समझे। तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी और बनेगी परफेक्ट रेसिपी पे और परफेक्ट तरीके से। सबसे पहले हमने इसमें शामिल किया कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल के बाद हमने इसमें शामिल कर दिया है प्याज को। तो शामिल भी करेंगे दोस्तों, बिल्कुल सिंपल से हमें इसमें मसाला जात ना कि बहुत ऐसे एक्सपेंसिव या बहुत ही जो मुश्किल से आपको मिले। उसके बाद हमने शामिल कर दिया है एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा हमने प्याज को किया फ्राई, और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया है मटन। और मटन को आप कुक करने से पहले इसको पहले अच्छी तरीके से आपने धोना है, और कोशिश करें कि आपको जो मेल का ही हो वो बेहतर रहेगा, बारिश बहुत किसी मेल के। और मटन को आपने इसमें भूनना है प्याज के अंदर, इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि जो मटन की स्मेल होती है बिल्कुल वो किस तरीके की आपको नागवार स्मेल नहीं आएगी। तो बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार मटन आपका तैयार होगा। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिए जी टमाटर जो कि थे आधा किलो के करीब, और उसके बाद सुरख मिर्च, और मिर्च के बाद हमने शामिल कर दिया है जी हल्दी पाउडर एक चम्मच, उसके बाद हमने शामिल कर दिया नमक, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट जितना आप खाना चाहते हैं वो उतना शामिल कर दिए, और उसके बाद हमने शामिल कर दिया है जी सफ़ेद ज़ीरा साबुत जो कि बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी और लाइट और डेलिशियस फ्लेवर आएगा आपको। तो उसके बाद हमने इन चीज़ों को करना है अच्छे तरीके से मिक्स, तो अब बिल्कुल ये एक चीज़ आप इसमें देखना कि इसमें हम इसमें बिल्कुल पानी नहीं शामिल करेंगे, ये जो अपना पानी है उसी के अंदर मटन तैयार होगा और बहुत ही लाजवाब आपको मटन तैयार होगी। तो उसके बाद दोस्तों हमने इसको दम पे लगा देना है, ढक्कन लगा के आपने बिल्कुल लो फ्लेम करके तकरीबन 20 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें, और मिलते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। तो बिल्कुल देखिए कि मटन हमारे लिए पूरे तरीके से जो इसके अंदर पानी था वो सारा इसने छोड़ दिया है, और ये जो थे तरीका आप बस दोस्त अहबाब ऐसे बनाते हैं कि वो सॉरी एक चम्मच हमने इसमें देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च शामिल की है, उससे ये होगा कि इसका बहुत ही प्यारा कलर आएगा और बहुत खूबसूरत लगेगा जब मटन आपका तैयार होगा। तो फिर तो मैं बात कर रहा था कि तीस मिनट के लिए दोस्तों हमने मज़ीद इसको दम पे लगाया ताकि ये मटन इसी पानी में कुक हो जाए। तो वो मैं बात कर रहा था कि मटन को बाद दोस्त अहबाब ऐसे करते हैं कि पहले भून के और बाद में पानी डालते हैं, वो तरीका बिल्कुल सही नहीं, और मटन उससे सख्त हो जाता है, जल्दी नहीं तैयार होता एक, और मटन का कोई टेस्ट भी नहीं रहता। तो इस तरीके को आप फॉलो करेंगे एक केजी से लेके आप 50 केजी तक, और बहुत ही प्यारी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है, और आपका मटन बिल्कुल सॉफ्ट आएगा। तो अब हमारे मटन में से जितना वो पानी था उसको वो बिल्कुल अब्जर्व हो गया है, तो अब मैं इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना है। और दोस्तों फीडबैक भी देना आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी, और एक तो आप बिल्कुल फीडबैक भी देते हैं और मुझे बहुत इस चीज़ का अफसोस है कि इतनी रेसिपी मैंने शेयर की आपके साथ लेकिन आपने बिल्कुल रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, शायद आपके पास इतना बदल लो। तो अब जो हमारा मटन था पूरे तरीके से बिल्कुल टेंडर और सॉफ्ट तैयार हो गया दोस्तों,
और ये थी हमारी रेसिपी। बताना आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी, और अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। तो मिलते हैं एक और डिलीशियस रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।